गाइस तो हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और मैं सच को अंदर से इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर बता नहीं सकता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस, ये देखो सामने बिल्कुल पूरा 42 बिल्डिंग दिख रहा है। एक और चीज इंटरेस्टिंग लगा, ये देखो बैठने के लिए बनाया गया है, आप लोग आते हैं बैठ सकते हो। तो गाइस कैसे हो आप लोग, स्वागत करता है कौन है वीडियो में। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो इसलिए खास होने वाला गाइस कि मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा कैफे में जाओ जो कि मतलब सच में बहुत अच्छा लगे। मतलब काफी दिन से मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि कैफे मिला और फाइनली हम लोग एक कैफे मिला जिसका नाम है बोटैनिक। इसका पहले नाम था अनप्लग कोटियाट कोलकाता, आप लोग बहुत जन जानते भी होंगे। तो गाइस आज इस कैफे में जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कैसा है वो कैफे, कैसा उसका खाना। हां थोड़ा बहुत कॉस्टली है बट सच कहूं मैं जाके आ चुका, मतलब वीडियो जो है इंट्रो जो है मैं घर आके शूट कर रहा हूं, तो आपको सच बता रहा हूं जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ ना, मतलब सच बता रहा हूं पैसा वसूल एक्सपीरियंस था वहां पर। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि वहां फूड्स पर भी आते वीडियो बनाने, तो उनसे मिले काफी अच्छा लगा। और हाँ बोटैनिक कैफे का पहला वीडियो होगा जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पैसा नहीं लगता। कैफे का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, तो क्या बोलते हो चले क्या। और गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बोटैनिक कैफे जो कि बिल्कुल मेरे सामने है। देखो मुझे पता नहीं कौन सा फ्लोर में है, तो यहाँ पर जाते हैं और सिरा को मैं यहाँ पर खड़ा करा दिया जस्ट बिकॉज बाइक लगाने का पार्किंग का जगह ही नहीं था यहाँ पे, तो मेरे को बाहर जाकर पार्किंग लगाना पड़ा। तो ये रहा गेट, चलो चलते चलो पता है तुम्हें कहाँ जाना है। हाँ, इस गेट खोलने के बाद देखो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, अंदर से तो काफ़ी झकास लग रहा है यार। यहाँ से देखो जब एंट्री करोगे तो यहाँ से आना है, फिर यहाँ सामने लिफ्ट पड़ेगा। रास्ता में इतना जाम था मतलब क्या बोलूँ, जहाँ रास्ता का टाइमिंग था मतलब पहुँचने का 18 मिनट, वहाँ पे हम लोग को आधा घंटा से ऊपर लगे, मतलब बहुत ज्यादा जाम था ना। जब आप लोग आओगे तो आपको 3rd फ्लोर आना पड़ेगा और 3rd फ्लोर से आपको 4th फ्लोर से पैदल जाना पड़ेगा। ये देखो अंदर में है, ओ माय गॉड काफ़ी शांत माहौल है। ये देखो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, सच कहूँ तो थोड़ा माइंड ब्लोइंग लग रहा है यार। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको, ठीक है, मतलब ये जगह का नाम कुछ और था, श्रेया यहाँ पे आ चुकी है, नाम कुछ और था पहले, बताऊंगा बाद में, ठीक है। बट ये अभी चेंज कर दिया सब, लगेगा इसको ही अलग है, मतलब देख के मैं खुद ही मतलब बोलने कुछ लायक ही नहीं बचा हुआ, इतना सुंदर लग रहा है। Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's Guys, तो हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और मैं सच को अंदर से इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर बता नहीं सकता। और एक इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि यहाँ पे बहुत लोग जानते होंगे फूड्स पा को, वो भी वीडियो बनाने यहाँ पे आए हैं। और हाँ एक और बात मेरे को बताना था, मतलब अभी यूट्यूब का अपडेट के बाद सब्सक्राइब का जो बटन है थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, लाल वाला जो है ब्लैक हो गया है, तो बहुत जो समझ में नहीं आ रहा, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखते समय देख लेना क्या सब्सक्राइब बटन है कहाँ पर, बिकॉज वो पूरा ब्लैक कर दिया अपडेट के बाद, अभी समझ में नहीं आ रहा, बहुत जो पता भी नहीं चला कि सब्सक्राइब बटन है कहाँ पर, थोड़ा देख के सब्सक्राइब करना। कितना दूर हो गया इसको खुले, 1 month, जस्ट 1 महीना हुआ, ठीक है, मतलब पहले जो नाम था चेंज करने के बाद इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है, 1 month हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस, ये देखो सामने बिल्कुल पूरा 42 बिल्डिंग दिख रहा है, मतलब यार व्यू का कमी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आज कुछ अलग एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग लगा, ये देखो बैठने के लिए बनाया गया है, आप लोग आते हैं बैठ सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे श्रेया ऑर्डर कर रही है, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर कर रही है, बट जो भी ऑर्डर करेगी वो वही खाएंगे। यहाँ पे देखो हम लोग का पानी का बोतल, क्या स्पेशल है ना वो देखो, पूरा मस्त लग रहा है भाई, एक्सपेक्टेशन से तो अलग ही निकला, मतलब क्या ही बताया, फोटो उतना खास दिख नहीं रहा था बट आने के बाद पता चला कि कितना अच्छा है ये। कैफे के मैनेजर भैया है, तो इनसे मैं पूछता, बहुत जन पूछता ना कमेंट में कि हाँ बर्थडे का चार्ज क्या होता है, क्या डेकोरेशन का चार्ज है, तो भैया बता सकते हैं। वैसे डेकोरेशन का डिपेंड करता फॉर द क्लाइंट्स के लिए, अगर उनको छोटा मोटा डेकोरेशन चाहिए तो वी स्टार्टिंग विद द डेकोरेशन, नॉर्मल प्राइसेस इज लाइक नॉर्मल सर, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्राइस होगा क्या, मतलब स्पेसिफिक मिनिमम 2000 से स्टार्टिंग डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन के लिए इट विल बी बैलून्स कम कैंडल रोज पेटल बादे स्टिकर्स जो दिया सिल्वर फॉइल जो बेलून है, वैसे से आप डेकोरेशन का चार्ज करते हो, मतलब केस के लिए कोई चार्ज है क्या, केस के लिए कोई चार्ज नहीं है।
मतलब सिर्फ डेकोरेट कर सकते हैं या पार्टी वार्टी करना होगा बर्थडे के लिए? हम हमारी तरफ से केक भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा देखो गाइस इतना कुछ भैया दे रहे हैं, तो अगर आप लोग को बर्थडे पार्टी करना है ठीक है, तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा भैया बता दीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है आप लोग देखे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है बट मैं यही बोलूंगा कि इस कैफे में यार आओ, मतलब नया नया खुला और मैं कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा, मतलब बहुत सारा कैफे में गया हूं बट ये वाला यार मतलब अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है मेरे को। और हां गाइस ये पहला वीडियो होगा, मतलब इस कैफे का बोटैनिक कैफे का पहला वीडियो होगा जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। ऑलरेडी हमें फूड्स पर आ चुका है तो पता नहीं उसको कितने दिन लगे एडिट करने में, आज मैं एडिट करूंगा और कल पक्का छोड़ने वाला, मतलब फ्राइडे को मिल जाएगा, तो मतलब कल जो देख रहे हो अभी फ्राइडे को देख रहे हो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज एडिट करूंगा कल छोड़ूंगा, तो मेरा वीडियो पहले आने वाला है। और हाँ फूड्स पर का चैनल पर वीडियो मत देखना, मेरा वीडियो देखना। क्या कर रही हूँ? ये देखो अकेले अकेले खा रहे हैं मोटू, ये देखो ये खाया का अभी तो सर्व किया है। बट जो ही बोलो गाइस यहाँ से जो नजारा है ना वो काफी माइंड ब्लोइंग, आसमान तो लग रहे कहीं स्वर्ग में आ गए, मतलब देख के तो पूरा ज्यादा ऊंचा ही नहीं है बट बहुत अच्छा लग रहा है ना। ऊंचाई नहीं है इसलिए तुम्हें ज्यादा ऊंचाई पता क्यों नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि 42 ज्यादा ऊंचा है एक्चुअली। नहीं है। इससे ज्यादा ऊंचा तो लिक्वा रूफटॉप था, ये तो फोर्थ फ्लोर ही है बस। फोर्थ फ्लोर फिर भी ज्यादा लग तो रहा था ना। कुछ भी नहीं ज्यादा नहीं रही, लिक्वा बहुत ऊपर था। अभी हम लोग कौन से कैफे में आए हैं? बोटैनिक। तो बोटैनिक का बात करो करवाली बेस्ती। तो हम लोग ये देखो खाना आ चुका है, ये क्या है क्या ली तुम? ये वाला है पैन फ्राइड चिली फिश। वो क्या है? और ये है कुछ चिकन का, क्या नाम बोला भूल गए। ठीक है तो खा के बताओ कैसा है, बिकॉज़ इस बार तुम ही नहीं मिले तो कैसा है? नहीं तुम्हारा काम है खाना, ऐसे ऐसे मुंह पे जाके वीडियो करोगे? मजा आया। और गाइस तो मैं अभी सर्व करके खुद ही खा के बताता हूँ कैसा है। इन्होंने सर्व बहुत अच्छा से किया, मतलब अच्छा सजा के दिया है। इसका नाम है चिकन ताइपाई, ठीक है चिकन ताइपाई जिसका प्राइस आपको दिख रहा होगा। और इसको पहले खा लेते फिर उसको ट्राई करेंगे। गाइस नाम के साथ साथ टेस्ट भी काफ़ी यूनिक, सच में यार माइंड ब्लोइंग। आप लोग जवाब दे ट्राई जरूर करना। तो ये क्या है? ये है पैन फ्राइड चिली फिश। पैन फ्राइड चिली फिश मतलब फिश है ना? हाँ ये मैरिनेटेड है क्योंकि मैं मुझे फिश पसंद है। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ओह माय गॉड गाइस हमेशा यूनिट सॉरी जवान अटक गया मैं हमेशा यूनिट एल्कोहल के शौकीन हो तो यहाँ पे एल्कोहल भी मिलता है, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं मेनू का जो बार कोड होगा मैं दे दूंगा वीडियो के एंड में, तो देख लेना ठीक है। स्कैन करोगे तो घर बैठे पता चला क्या 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 मेनू है, प्राइस क्या है। बहुत लोग तुमको पूछते हैं ना बार भी चाहिए और ये कैफे, मतलब बहुत लोग पूछते हैं तो सब कुछ है यहाँ पर, फिर भी तुमको कमेंट में पूछेगा सब पूछते हैं। अच्छा कमेंट कर रहे हैं, हमको अच्छा लगता है। हाँ ये तो अच्छी बात है। थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक चीज जो मैं बता देता हूँ उसको पूछते हैं तो थोड़ा ये लगता है, बट नहीं अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मतलब समझ में ना आए तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ कमेंट में भी पूछ सकते हो, इंस्टा में भी पूछ सकते हो। तुमको फॉलो कोई भी नहीं करता है, पूछते बहुत लोग है। अभी कुछ बोलो हरामी हो फॉलो करो ठीक है। यहाँ से पूरा विक्टोरिया दिख रहा है गाइस, ज्यादा मतलब मैं बता ना व्यू का कुछ कम ही नहीं। एक और देखो यहाँ पे ये रिजर्व है, बट यहाँ पे बैठ सकते हो अगर आप लोग आते हो तो रिजर्व कर सकते हो। मैं थोड़ा बैठ के दिखाता हूँ आपको, बैठ के देखते हो कैसा फीलिंग होता है। हसी मोसा सहलसा खाना पेश किया जाए। तो मैं नीचे आ चुका हूँ ठीक है, मतलब मैं आते समय इतना हरभरी में ऊपर चला गया था कि मैं यहाँ नीचे का वीडियो ही नहीं बनाया, बट सच को नीचे का भी काफी अच्छा से डेकोरेट किया गया। आप लोग देख सकते हो एक अलग डिपार्टमेंट है बैठने का, और सामने वहाँ पे मतलब जो अल्कोहल वगैरह वहाँ पे रखा हुआ है तो आप मॉकटेल काउंटर बोल सकते हैं, कॉकटेल काउंटर भी बोल सकते हो। इधर भी एक अलग डिपार्टमेंट है उधर पूरा आप देख सकते हो, इधर बैठने का जगह है।
ब्लॉग होने का फायदा तो है, इतना हम लोग ब्लॉग बना रहे थे तो कैफे के मुझे भैया ने हम लोग को दो पिज्जा का स्लाइस दिया है, तो खा के देखते कैसा है। माइंड ब्लोइंग गाइस, ब्लॉग होने का सच में बहुत ज्यादा फायदा है कि नहीं बताओ। वो तो है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वीडियो पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। हाँ, मानता हूँ थोड़ा बहुत कॉस्टली है बट वर्थ इट है गाइस। कैफे का व्यू वाला या फिर फूड वाला काफी माइंड ब्लोइंग था। हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बोटानिक कैफे में आप लोग विजिट करो और विजिट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वो कैफे आपको। और हाँ, आप लोग हमेशा पूछते हो कि बर्थडे के डेकोरेशन में क्या चार्जेस है, तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो इस तरह फालतू ब्लॉग बनाता रहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो। और वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलता है कौन है वीडियो में कौन है ब्लॉग के साथ। तो गुड बाय, खुश रहो, दुख सुख से रहो, तो टाटा।